हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है एक्सरसाइज 1.3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब जो है इरेशनल को जो हम डिफाइन करते हैं वो किस पे करते हैं, रेशनल नंबर की डेफिनेशन के साथ ही तो डिफाइन करते हैं। तो रेशनल नंबर में हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन जहाँ क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बारे में मेरी जो पहले था हाउ नंबर सिस्टम फॉर्म जो करके मेरी वीडियो है सबसे पहली, उसमें भी जो है इस चीज़ के बारे में मैंने डिफाइन करा था, जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। और जो है उसके बारे में अगर देखना समझना चाहते हो तो देखना चाहते हो तो वो जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है को प्राइम भी इसमें यूज होगा, को प्राइम के बारे में भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी वहाँ पे देखना, ठीक है। तो यहाँ पे पी अपॉन टू की फॉर्म में होते हैं, वहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब उसमें हम इरेशनल नंबर को क्या कहते थे, विच द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यही तो था। तो जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, अब जो अंडर रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो इसके लिए यहाँ पर हम एक मेथड यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि साइंस में इसका बहुत यूज होता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज़ हम पहले मानते हैं, कोई भी चीज़ हम खोजी कि हाँ ये इसमें ये संभावना है, तो जब हम उसके साथ प्रयोग करते 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 नहीं ये नहीं है, ये है, इसका जो है दूसरा गुण है या इस तरीके से बिहेवियर दिखा रहे, तो उसको हम उसी हिसाब से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है उसमें पहले हम एजम्पशन मानते हैं, उसके जो चीज है उसके प्रति हम एक एजम्पशन मानेंगे और उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग हम उसको चेक करेंगे और देखते हैं उसमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, उसके आधार पर हम उसके लास्ट में अपना व्यू रखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की हम उसको पहले अंडर रूट 5 को हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे, क्योंकि हमें रेशनल नंबर से ही डिफाइन हुआ है रेशनल नंबर की। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है अंडर रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसमें आएगा सॉल्यूशन है, लेट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो देयरफॉर अंडर रूट 5 कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। यहाँ पे क्या है, पी एंड क्यू आर को प्राइम से, ठीक है। को प्राइम है, को प्राइम के बारे में मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसमें को प्राइम में क्या था, पी अपॉन क्यू जो है ऐसे ये नंबर हैं जो 1 के सिवाय किसी और से डिवाइड नहीं जाते। एक नंबर 1 ऐसा है कि जो दोनों को डिवाइड करेगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो को प्राइम जो है और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं कि प्राइम नंबर होंगे या कंपोजिट नंबर होंगे, जो भी है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन को प्राइम वाले नंबर जो है वीडियो में मिल जाएगा, तो उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है ना, तो यहाँ पर हमारा आ गया इम्प्लाइज दैट अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते, ठीक है। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो ये इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, क्यू अंडर रूट 5। अब इसमें क्या करा, स्क्वायर बोथ से, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, और इसका स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5 का अंडर रूट हट जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है, तो 5 क्यू स्क्वायर। अब जो ये है पी स्क्वायर को हम 5 क्यू स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, तो यानी कि जो पी स्क्वायर हो 5 से भी डिविजिबल होगा और
क्यू स्क्वायर से भी डिवाइड होगा. तो इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव. ठीक है, जो बोल रहा हूँ उसे भी समझ कर बाई चांस कभी कहीं को कोई वर्ड छोटा बन जाए तो उसको जो है सुन के भी अंदाजा लगा सकते कि क्या ले. ठीक है, तो देयरफॉर पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव. तो जो इक्वेशन वन हम यहाँ पर अपने सीधा दिया मान लिया. ठीक है, यानी कि पी स्क्वायर अगर डिविजिबल बाई फाइव है तो पी भी जो होगा फाइव से डिवाइड होगा. अब जो है यहाँ पे ये तो हो गया हमारा डिवाइड. यानी कि जब पी भी ये जो है यहाँ पे एक हमारी स्टोर में 1.2 हुई उसमें उसके अकॉर्डिंग अगर पी स्क्वायर फाइव से डिवाइड होगा तो पी भी फाइव से डिवाइड होगा. अब जो है यहाँ पे अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड होता है तो वो नंबर उसके अंदर होता है. जैसे हम 6 को लिखते हैं 2 into 3, तो यानी कि 6 से क्या होगा 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा. यानी कि 2 और 3 से डिवाइड है तो यानी कि 6 के अंदर 2 और 3 तो नहीं. तो इसलिए क्या कहेंगे, देयरफॉर लेट जो है p इज इक्वल टू 5r. हमने p को क्या मान लिया, 5r मान लिया. r यहाँ पे कोई भी अदर इंटीजर है, यानी कि 5 से r टाइम्स ही क्या होता है डिविजिबल हो जाता है. मतलब ये तो फाइव से डिविजिबल हो जाएगा. तो याद कीजिए स्क्वायर रूट साइड ये आ गया हमारा. अब जो है ये वैल्यू हम ये इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ठीक है, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. ठीक है, बाय इक्वेशन 1 अब यहाँ पी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो 25 आर स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर. ये आ गया, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 5 आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर. ठीक है, अब वही थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, क्यू स्क्वायर इज क्यू स्क्वायर इज क्या होगा डिविजिबल बाई फाइव. देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव. तो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 हो गया और क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड देखो पी इज डिविजिबल बाय 5, पी 5 से डिविजिबल यानी कि 5 पी का एक फैक्टर होगा और यहाँ पे क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 है यानी कि जो होगा 5 जो होगा क्यू का भी फैक्टर है. तो बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू बोथ, दोनों का कॉमन फैक्टर. ठीक है, इसका 5 क्या हो गया, पी और क्यू दोनों का क्या हो गया कॉमन फैक्टर आ गया. अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने अब ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यही तो कहता है. हमने क्या कहा था यहाँ पे जो था ये जो अंडरूट 5 को हमने पी अकाउंट क्यू की फॉर्म में लिखा था, तो हमने यहाँ तक कहा था कि ये को प्राइम यानी कि 1 के सिवाय किसी और से डिवाइड नहीं जाएंगे. अब यहाँ पे क्या हो गया, इसके बीच में कॉमन फैक्टर आ गया, क्या आ गया 5. तो यानी कि क्या होगा, ये जो है हमारी जो एजम्पशन है उसके क्या होगा उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब उसका विरोधाभास बोलते हैं. जैसे हम विरोधाभास मतलब जो हमने माना था उसका उल्टा ही आ रहा है कि हम उसको ओरिजिनल नंबर मान के चल रहे थे और जो उसके अकॉर्डिंग हमने को प्राइम माना था, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5 आ गया, तो यानी कि ये क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्ट कर गया. ठीक है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट टू आवर एजम्पशन
दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम. ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे एमडी पी एंड क्यू आर को प्राइम है. तो दे आर देयर फॉर हेंस अंडर रूट फाइव इज इरेशनल. क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे तक इसको कर लेंगे. बस ये कि कहीं जगह मैंने जैसे शॉर्ट दिखाया, जैसे शॉर्ट दिखाया नंबर है तो उसको आप पूरा लिखोगे. इक्वेशन है तो इक्वेशन को वर्डिंग को पूरा लिखोगे. यहाँ पे एस समझाने के लिए, जल्दी जल्दी समझाने के लिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में यूज किया. वहाँ पे जो है आप जो एग्जाम में या अपनी नोटबुक में अगर कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पे पूरी लिखने की आदत डाला करो. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर वन करा था, उसमें अंडर रूट फाइव को इरेशनल नंबर प्रूफ करा था. अब प्रूफ दैट आ गया कि ये जो है एक इरेशनल नंबर है, हमें इसे प्रूफ करना है. नंबर है, हमें इसे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है. ये क्वेश्चन मोस्टली जो है एक नंबर में आता है और जो है हमें इसे एक नंबर के हिसाब से किस तरीके से प्रूफ करेंगे. अगर एक दो नंबर से ज़्यादा का आता है तो उसको हम उसमें अंडर रूट फाइव को हमें इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा. फिर उसके बाद जो है हम ये मेथड को करेंगे. तो एक नंबर में पूछा जाता है मोस्टली, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा. तो क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन. तो इसमें क्या कर लेंगे, मैं फाइव इज इरेशनल नंबर. प्लस टू अंडर रूट फाइव क्या है, एक रेशनल नंबर है ना. तो जब रेशनल नंबर है तो दिस कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी इज नॉट इक्वल टू जी, है ना. और पी एंड क्यू आर एनी इंटीजर एंड को प्राइम्स हो गए. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है उधर भेज दो उसको. ठीक है, तो थ्री भी रेशनल नंबर है. ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये क्या होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा. ठीक है, एनी रेशनल नंबर जो है ऑपरेट ऑन एनी रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर ही होंगे. ठीक है, इसी तरीके से आएगा एनी ऑपरेशन. ऑपरेशन मतलब कि डिवाइड मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट ऐड जो है ये ही. एनी ऑपरेशन बिटवीन रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर बी है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एज रिजल्ट, है ना. देयरफॉर वन अपॉन टू पी अपॉन क्यू माइनस थ्री इज रेशनल नंबर. रेशनल नंबर होगा, है ना, बट अंडर रूट फाइव इज एंड उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. तो यानी ये क्या होगा, थ्री प्लस अंडर फाइव क्या होगा, एक रेशनल नंबर जो था उसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट. तो उसमें आएगा दिस कॉन्ट्राडिक्ट टू वी प्लस अंडर रूट फाइव इज रेशनल नंबर, है ना. हेंस जो होगा थ्री प्लस टू अंडर रूट फाइव इज एन रेशनल नंबर.
होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, 1/√7 है ना, तो उसमें क्या कह रहा है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल है, कि ये इरेशनल नंबर को इनको भी हम एज जैसे ये है पी अपॉन क्यू मानेंगे, दोनों तरफ भेज देंगे है ना, और उस हिसाब से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो होगा ये क्या होगा, इस तरीके से अभी हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे अंडर √7 है, इसका रेशनलाइज कर दो तो अंडर √7 अपॉन 7, इसको हमने पी अपॉन क्यू मान लिया, अंडर √7 इज इक्वल टू 7 पी अपॉन क्यू। अब ये रेशनल नंबर है, लेकिन अंडर √7 क्या है, रेशनल नंबर, अंडर √7 में जो भी प्राइम नंबर होते हैं रेशनल नंबर होते हैं ना, तो ये क्या हो गया, इरेशनल है और ये इरेशनल है, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं, बस ये है कि जहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या होता है अंडर रूट वाली वैल्यू होती है, तो हम इन्हें रेशनलाइज करते हैं, जो हमने 9 में पढ़ा था रेशनलाइज द फॉलोइंग फ्रैक्शन, उसका यूज करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको तब प्रूफ करेंगे, वरना थोड़ा हम अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर थोड़ा लैंग्वेज में डिफरेंस आ सकता है कि क्यू जीरो, क्योंकि हमने तो क्यू को जीरो बोला था, पी नहीं होना चाहिए, पी तो हो सकता है, लेकिन जब हम इसका वो करेंगे तो नीचे पी तो जीरो होने की संभावना, तो उस टाइम मैच नहीं है, तो इनको क्या करोगे, मेथड जो है उसमें पहले हमें रेशनल नंबर प्रूफ करना पड़ता है और उसी हिसाब से हम रेशनलाइज करने के बाद इसको आगे प्रूफ करेंगे। आई होप एक्सरसाइज 1.3 जो है आपको समझ में आ गई होगी, और इसको सही से करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में जो है एक मैसेज दे सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उस जो आपकी प्रॉब्लम्स हो इस पर बनाऊंगा। ठीक है, तो जैसे 1.3 में कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन एक्सरसाइज 1.3 जो है उसमें उस 1.3 से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं वो चीज़ें वहाँ पर बताई जाएगी। थैंक यू।